नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डीएसडी कार्स पे। और आज के वीडियो में आप देख रहे हैं द ऑल न्यू होंडा हाइनेस सीबी 350 डीएलएक्स प्रो वेरिएंट। ये बाइक आपको दो वेरिएंट्स में मिलती है, एक डीएलएक्स और दूसरा ये है डीएलएक्स प्रो वेरिएंट। इस बाइक में आपको डुअल टोन में कलर्स देखने को मिलते हैं, जबकि डीएलएक्स में आपको सिंगल टोन में ही कलर्स मिलते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। तो फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छी फ्रंट लुक दी गई है बाइक को। सर्कुलर शेप में एलईडी हेडलैम्प दिया गया है, उसी के दोनों तरफ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स प्लेस किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और पसंद आने वाली लुक इस बाइक को दे देते हैं। साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त साइड प्रोफाइल है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। क्रोम फिनिश और सिल्वर फिनिश का काफ़ी यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि इस बाइक को एक कंट्रास्ट लुक दे देती है। रियर में भी आपको एलईडी टेल लैंप्स और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ग्रैब रेल्स दी गई है। जो सीट है वो फ्रंट वाली सीट थोड़ी नीचे है और पीछे वाली जो सीट है वो थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन है ये सिंगल सीट में ही। जो फ्यूल टैंक है उसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बाइक में। होंडा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस बाइक को क्लासिक लुक देने में। ये देख सकते हैं इस बाइक का एमआईडी मीटर, जो कि सर्कुलर शेप में दिया गया है, और इस एमआईडी में आपको काफ़ी सारे फंक्शंस दिए गए हैं। स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिलता है और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो डिजिटल दिखती हैं इस बाइक में। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ, लो फ्यूल वार्निंग, क्लॉक, रियल टाइम एवरेज, बैटरी इंडिकेटर जैसे फीचर्स के साथ साथ HSTC यानी कि होंडा सेलेक्टेड टोर कंट्रोल, जो कि आपके रियर व्हील को कंट्रोल देता है जब आप एक्सेलरेट करते हैं अपनी बाइक को, उस टाइम पे आपके काफ़ी हेल्प करता है और एक सेफ्टी फीचर के तौर पे इस बाइक में दिया गया है। उसके बाद इस बाइक में HSVCS यानी कि होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। आपका जो फ़ोन है वो इस बाइक के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप नेविगेशन सिस्टम, म्यूजिक और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आप बाइक पर दिए हुए कंट्रोल से ही मैनेज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी और स्मार्ट बाइक ही आप लोगों के लिए साबित होने वाली है, क्योंकि काफ़ी स्मार्ट फंक्शंस इस बाइक में दिए गए हैं। राइडर के राइट साइड में इंजन के लिए स्विच दिया गया है और हैजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है, जबकि राइडर के लेफ्ट साइड में सभी स्विचेस दिए गए हैं, जो कि फ़ोन कंट्रोल्स को हैंडल करने के लिए हॉर्न का स्विच है, इंडिकेटर के स्विच हैं, लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, तो सब कुछ दिया हुआ है। सिल्वर फिनिश के साथ में क्लच और ब्रेक के लेवर्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। इस बाइक में डुअल चैनल ABS दिया गया है। फ्रंट में 310 mm की डिस्क के साथ ब्रेक्स दिए गए हैं। एलॉय व्हील में 19 इंची टायर्स आपको दिए जाते हैं। जो मड गार्ड है वो क्रोम फिनिश के साथ में दिया गया है। इस बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। डुअल हॉर्न इस बाइक में दिए गए हैं, जिसपे कि क्रोम फिनिश का यूज़ किया गया है। ये बाइक 348 cc, 21 BHP, 30 Nm टॉर्क और 30 से 35 किलोमीटर की एवरेज के साथ आती है। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स इस बाइक में दिया गया है और चेन ड्राइव सिस्टम इस बाइक में आपको मिलने वाला है। जो एग्जॉस्ट पाइप है वो क्रोम फिनिश के साथ दी गई है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि क्रोम और सिल्वर फिनिश का काफ़ी यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी कंट्रास्ट लुक इस बाइक को दे देती है। बात करें इस बाइक की रियर ब्रेकिंग की, तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो कि 240 mm की डिस्क के साथ दिए गए हैं। रियर में एलॉय व्हील के साथ में 18 इंची टायर्स इस बाइक में दिए गए हैं। इस बाइक के रियर में ट्विन हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं और जो पीछे का मड गार्ड है वो भी क्रोम फिनिश के साथ में दिया गया है। इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 15 लीटर है। अब बात करते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट साउंड की। तो अभी आपने सुना दोस्तों इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड, तो कैसा लगा आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी देखने में और आवाज़ से तो काफ़ी दमदार बाइक लग रही है, बाकी देखते हैं कि वक्त के साथ कितनी दमदार ये बाइक साबित होती है। इस बाइक की जो प्राइसिंग होने वाली है वो लगभग 2,25,000 के लमसम होने वाली है, लेकिन ये प्राइस अभी कन्फर्म नहीं है दोस्तों। बात करें इस बाइक के स्पेक्स की, तो ये बाइक 2163 mm लंबी है, 800 mm चौड़ी है और 1107 mm ऊँची है। इस बाइक की सीट हाइट जो है वो 800 mm है और सीट थोड़ी सी पतली दी गई है, तो इसलिए थोड़ी सी कम हाइट वाले लोग भी इस बाइक को आसानी से राइड कर सकते हैं। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 166 mm है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी 166 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी होती है। ये बाइक हाफ डुप्ले क्रेडल चेसिस के ऊपर बनी है, जो कि काफ़ी मजबूत माना जाता है। तो ये बाइक ओवरऑल लुक में काफ़ी अच्छी है। अब परफॉर्मेंस इसकी तब पता चलेगी जब ये बाइक मार्केट में आएगी और लोग इसको यूज़ करेंगे।
तो देखते हैं दोस्तों होंडा की ये बाइक कितना मार्केट में अपनी पकड़ बना पाती है और अपनी छाप छोड़ पाती है। तो ये था दोस्तों होंडा हाइनेस CB350 का छोटा सा रिव्यू। तो चलते चलते एक रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।